आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, शो में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रैक आया है, क्या कहना चाहिए? आखिर विधायक जी ने अपने आप प्रेम पूरी तरह से इजहार कर दिया, क्या कहना चाहिए? हाँ, ये कई बार आवेग में आदमी भावनाओं में बह जाता है तो मन की बात निकल आती है, वरना तो हम लोग सामाजिक जीवन में इतने सोचने वाले होते हैं, इतने समझदार होते हैं कि हर बात नपी तुली करते हैं। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आप भावावेश में बह जाते हैं और उस आवेग में आपके दिल की बात निकल आती है। तो आज जो प्रकरण शूट हो रहा है उसमें कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर उनकी समझदारी, उनका इंटेलिजेंस कुछ भी काम नहीं आया, अपनी भावनाओं में वो बोल गए सच दिल का। सर, सबसे पहले अगर हम शो की बात करें, जो स्टार्टिंग में जब आपका जो कद था काफ़ी बड़ा था, लेकिन जैसे ही कुछ घर से बाहर निकली तो आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है, काफ़ी हालत ख़राब हो, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? कैरेक्टर में काफ़ी अचानक से चेंज आ जाना, क्या कहना चाहेंगे 7 सालों में? देखिए, यही जीवन की खूबसूरती है। जब हम छोटे हुआ करते थे तो अपने पापा का रूप कैसा देखते थे, आज उसी पापा को दूसरे रूप में भी हम देख रहे हैं। तो ये जीवन चक्र है, इसमें परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर वही का वही वही का वही रहता तो आपको भी लगता कि एक ही जैसा है, लेकिन 7 साल में इसने परिवर्तन आया। परिवर्तन इस तरह का आया कि इसको एहसास हुआ कि मैंने जीवन में गलतियाँ की हैं और सही अच्छे लोगों के साथ गलती की है। तो प्रायश्चित के तौर पर या पश्चाताप इसके ऊपर इतना हावी हो गया है कि इसकी मनस्थिति ये हो गई। दूसरा, हंसिनी जो हमारी बहू है, उन्होंने इस कदर टॉर्चर किया है कि पिछले 7 सालों से कमरे में बंद कर दिया और इस किस्म की दवाइयां देती रहीं कि ये आदमी की ताकत ही ख़त्म हो जाए, ये मानसिक रूप से भी बिल्कुल क्षीण हो जाए, शून्य हो जाए। पूरी कोशिश की, लेकिन वहाँ भी एक उम्मीद थी कि कुह अगर होती या कुह अगर आ जाए तो फिर वही स्थिति होगी, और ईश्वर ने चाहा वैसा ही हुआ है। तो अब जिस स्थिति में हंसनी ने और खुशबू ने उनको कर दिया था, उससे बेहतर स्थिति में आए हैं, और वापस कुह के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो देवनारायण को उसका स्थान दिलाएगी। तो ये जीवन की यात्रा देखने में दर्शकों को भी बड़ा मज़ा आएगा और मुझे भी करने में बड़ा आनंद आ रहा है। ओके, आज शो में जैसे कि संजीव की नई वाइफ आ गई है, जी, क्या कहना चाहेंगे उसको लेके? क्या इससे कितना फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी फ़ायदा हो चुका है विधायक जी ने तो अपने प्यार, लेकिन क्या असल में वो मान पाएगा और असली राज जो खुल पाएगा, जो बच्चों का राज है ये खुल पाएगा आने वाले दिनों? तो सबसे पहले तो आप हमें बहु मुबारक बोलो। बहू मुबारक बोलोगे ना, आपके हिसाब से हमारी चौथी बहू हो गई, ठीक है। ये अच्छा हुआ, इसलिए अच्छा हुआ कि जो हकीकत हम जानते हैं और हम राजीव को बताना चाह रहे हैं, पर वो सुनना तो, मतलब मानना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी नहीं चाहता। लेकिन इस हकीकत के आने के बाद जो परत खुलेगी कि वो उसके लिए देवर ही है, वो उसका लक्ष्मण ही है, ना कि उसका पति है, तो इसके आ जाने से वो चीज़ें खोलने में और राजीव को यकीन दिलाने में हमको आसानी हो जाएगी, जो अभी तक हम कामयाब नहीं हो पा रहे थे। ओके, ऑफ रिकॉर्ड की बात करें, विशाल सर के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है, कू के साथ कैसी बॉन्डिंग है, थोड़ा कुछ अगर आप बताना चाहें? सभी लोग अच्छे हैं, सभी से अच्छी बॉन्डिंग है, बढ़िया प्यार मोहब्बत से आते हैं, इज्जत के साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, और इंसान के नाते तो रिस्पेक्ट करते ही हैं और एक दूसरे की क्वालिटियों की भी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, और वो वाइब्रेशन से सबकी आंखों में दिख जाता है। तो प्यार इज्जत एक दूसरे के लिए है, बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है, किसी से कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जहाँ पर हमें सोचना पड़े। ओके, दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है सर, उस पर आप क्या कहना चाहिए? इतना प्यार मिलना हर जगह से, इतना मतलब 5 मिलियन तो आपका एपिसोड यूट्यूब में ही चले जाता है, 5 to 6 मिलियन मतलब एक दिन का मैं कह रहा हूँ। मैं जैसे आज एपिसोड अपलोड हुआ यूट्यूब में, डंगल तो कल 24 आवर्स में 5 मिलियन तो चले ही जाता है। भाई, इसका श्रेय ना हम खुद नहीं लेंगे और ये वाजिब भी नहीं है, इसका श्रेय तो उन दर्शकों को है जो इतना प्यार और इज्जत हमारे ऊपर लुटा रहे हैं। मैं बिल्कुल उनको दिल से सलाम करता हूँ कि हमारे लिए अनपेक्षित है, और अब हमारे लिए जिम्मेदारी बढ़ गई है कि हम आने वाले दिनों में आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरे, क्योंकि आपने इतनी बड़ी जवाबदारी और इतना बड़ा ओहदा हमें दिया है या दे रहे हो, तो उसके बदले में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम भी आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरे और पूरी कोशिश करेंगे। कुल मिला के ये जो परिस्थितियाँ जिनके बारे में आपने अभी जिक्र किया, उसका श्रेय मैं सारा का सारा आप सब दर्शकों को दूँगा। आखिर में आप दर्शकों को कुछ बताना चाहिए,
आपको और राजीव भैया मिल पाएगी कि नहीं जल्द से जल्द? देखिए, इस मामले में यही कहूँगा कि हम लोग ना लेखक के हाथ की कठपुतली हैं। हमको पैदा भी उन्होंने किया, पाल पोस के बड़ा भी उन्होंने किया, ग्रेजुएशन भी उन्होंने करवाया और पेशे में भी उन्होंने लगाया। अब आगे किस दिशा में ले जाएंगे वही जानते हैं, और उनकी लिखी हुई रचना को हम ईमानदारी से करते हैं, और दर्शकों के लिए भी ये एक जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए कि अब क्या होगा। देखिए, जब हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो जिस उपन्यास और किताब में जिज्ञासा बनी रहती है उसी को हम लगातार आखिर तक पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती। तो इस तरह की जिज्ञासा अगर शांत हो जाए तो चार्म ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी बहुत सारी अपेक्षित चीज़ें होंगी, कुछ अनपेक्षित होंगी, लेकिन ये एक साहित्य जैसा डेली सोप जो आपको लिटरेचर का भी एहसास कराता है, वो इसी लय से, इसी भावना से और इसी तरीके से आपके सामने अपनी रफ्तार को बरकरार रखेगा। थैंक यू सर, लव यू डॉक्टर।